पोको के F5 डिवाइस के लिए यहाँ पे ईवो 10.5 का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जिसे यूज करते हुए हो गए एक दिन से ऊपर। और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा परफॉर्म करता है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और इसे यूज करना चाहिए नहीं। आई नो कि इसका अपडेट काफ़ी टाइम पहले ही आया हुआ था, बट मैं ऑफिशियल स्टॉक रोम टेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से इसका वीडियो टाइम पे नहीं मिल पाया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस रोम को आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है या फिर मेरे रिव्यू का वेट कर रहे थे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रॉयड 15 आपको देखने को मिलता है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है 10.5 का, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें नई आ गई है जो कि पहले रिमूव करी गई थी, और कुछ कुछ चीज़ें जो पिछले टाइम नया था उसे रिमूव किया गया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अप्रैल 5 का सिक्योरिटी पैच मिलता है, हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा, और ये हमारा बिल्ड डेट वगैरह। यहाँ पे मैं इसे डार्क से नॉर्मल कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कि भाई आप जो डार्क मोड ना यूज करो। बाकी यहाँ पे आपको UI सिमिलर ही देखने को मिलता है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, और पूरा का पूरा पिक्सल वाला वाइब यहाँ पे आता है, एनिमेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा आपको सही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे डिफॉल्ट पिक्सल लॉन्चर ही आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, और UI रिस्पॉन्स रियल में काफ़ी गुड आपको यहाँ पे फील होने वाला है जब भी आप इसे यूज करोगे। साथ साथ यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिया गया है कैमरा, जो कि इसका सिस्टम डिफॉल्ट आने वाला कैमरा है, जिसे हम लाइका कैमरा भी कहते हैं, जो कि प्रॉपर यहाँ पे वर्किंग है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, 4K का 30 FPS रखा गया है, जैसे कि डिफॉल्ट वाले में आता है, तो 60 यहाँ पे इनेबल नहीं किया गया। लेकिन हाँ, बाकी अदर ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BCR दिया गया है, जो कि गूगल डायलर के होते हुए भी आपको कॉल रिकॉर्ड करके देगा, सो डोंट वरी। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको शो किया था, मोड्स का ऑप्शन, जो कि आईफोन का फोकस मोड जैसा ही काम करता है। यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब आप टाइमिंग के हिसाब से डाल सकते हो, या फिर अपना बेड टाइम वगैरह भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको करके देगा, जो कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, और खुद से अपना यहाँ पे कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो जैसा आपको यहाँ पे चाहिए, सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको ऑफ करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रे स्केल वगैरह, एक्स्ट्रा डिम वगैरह, जिससे आपको जो और भी चीज़ें हेल्प हो इसे यूज करने में। बाकी बैक क्यों आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसका सिस्टम, जहाँ पे आपको बटन के नॉर्मल से कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले भी आपने इसे यूज कर रखा है। और हाँ, यहाँ पे आपको सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है, जो कि आपका प्रॉपर काम कर जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये स्मूथली जो रिस्पॉन्स देता है, सो गुड टू गो। यहाँ पे आपको सिस्टम डायग्नोसिस, जो कि लास्ट टाइम दिया गया था, वो भी देखने को मिल जाता है, सो दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है, जो कि रियली में परफॉर्मेंस को बूस्ट करके देता है, बट किस तरीके से बूस्ट करता है वो आपको टेस्ट रिजल्ट में पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे बैटरी का भी ऑप्शन है, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको शो किया था, काम करता है। यहाँ पे विजेट्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, और चार्जिंग कंट्रोल वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे आता है वॉलपेपर एंड स्टाइल। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मे बी पहले से हो, लेकिन मुझे ध्यान अभी गया, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से ईवो का अपडेट देना छोड़ रखा था, वो है यहाँ पे AI वॉलपेपर का, जो कि ये चीज़ सबसे पहले मे बी आपने Xiaomi में नोटिस किया होगा। यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी चीज़ों का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो वॉलपेपर, जो कि AI के हेल्प से रहते हैं, और यहाँ पे जो भी चाहिए उस तरीके से सैंपल मिलेंगे, जो पसंद आता है उसे आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, सही तरीके से काम करता है। और देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट करके इसने दे दिया है कई सारे सैंपल, इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी यहाँ पे कई सारे और वॉलपेपर मिलते हो, और बाकी आप अलग से ऑफलाइन डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हो। कैमरा के शॉर्टकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो आपको मिलते ही मिलते हैं, लॉक स्क्रीन में और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, म्यूजिक ट्रैकर वगैरह के, डायनेमिक वगैरह के, जो कि पहले से आपने जो यूज कर रखा है। अनदर डिस्प्ले के अंदर आपको ऑटो ब्राइटनेस काफ़ी स्मूथली रिस्पॉन्स देता है, और हाँ, यहाँ पे टॉर्च का है जो यहाँ पे स्लाइडर भी ऐड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसके परसेंटेज को भी मैं घटा और बढ़ा सकता हूँ, जिससे यहाँ पे जो फ्लैश लाइट का है जो देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से ये लो एंड हाई हो रहा है, ये भी एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है। और ये QoS इनेबल करते हो तो कई सारे शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। प्योर डार्क मोड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि प्रॉपर काम करता है। और लास्ट वाले वीडियो में जो कि 10.4 था, उसमें मैंने आपको नया QoS पैनल शो किया था, जो कि क्लिक करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा था, और साथ साथ उसे हम बड़ा और छोटा कर पा रहे थे, तो उसे यहाँ पर हटा के पहले वाला ओल्ड ही है जो रीस्टोर कर दिया गया है, मे बी कुछ इंटरनल इशूज वगैरह होंगे जिसके वजह से, तो एक चीज़ जो कि काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन हाँ रिमूव हो चुका है, मे बी इन फ्यूचर देखने को मिले। बाकी हाई टच बॉलिंग रेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, बैक ऑन प्लग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रॉपर वर्किंग है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्लियर स्पीकर वगैरह के ऑप्शंस, और बाकी वही सारे अदर ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो कि सही काम करते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन, जो कि हमारा
कूल डाउन का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सारे बैक टू बैक नोटिफिकेशन आपके फोन में आते हैं तो ये आपके फोन को 2 मिनट के लिए साइलेंट कर देता है, ताकि नोटिफिकेशन से जितने भी ज्यादा फालतू के साउंड आते हैं टी 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 वो आपका म्यूट हो जाए और आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और कुछ मिनट के बाद जब नोटिफिकेशन आपका जो स्लो हो जाएंगे तो ये फिर से वॉल्यूम को अप कर देता है। लेकिन हाँ, जब भी आपका फोन म्यूट रहेगा वैसे में आपका जो कॉल आएगा या फिर अलार्म बजेगा वो आपका फुल रिंग रहेगा, उसकी वॉल्यूम को डाउन नहीं किया जाता। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन रखा गया है, जो कि भाई काफी ज्यादा यूज में आने वाली चीज है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको गेम स्पेस, ऐप लॉक, क्लोन और बाकी अदर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप आसानी से यूज कर पाओगे। थीमिंग के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि वॉलपेपर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि प्रॉपर वर्किंग है, क्योंकि मैंने चेक कर रखा है। ब्राइटनेस स्लाइडर के कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, पावर मेन्यू के अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम पैनल भी दिया गया है और यहाँ पे लॉक वगैरह साउंड है वो भी आपको मिलता है, बैकग्राउंड आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम फोन्स दिए गए हैं, सिग्नल वगैरह और बूट एनिमेशन वगैरह भी कई सारे दिए गए हैं जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे दिया गया था। अदर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में लॉक के फेसेस वगैरह, डेफ वॉलपेपर वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ बार में यहाँ पर स्केल भी दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप इस नाउ बार को जो कि लास्ट टाइम रिमूव किया गया था इसके पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे अगर टॉप पे डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जॉब है काफी ऊपर आ चुका है, तो ये चीज काफी ज्यादा सही दिया गया है कि जिस जगह पे आप इसे रखना चाहते हो ना उसके हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हो इस स्केल का यूज करते हुए। बाकी यहाँ पे मीडिया कवर आर्ट है, AOD के ऊपर इमेज सेट कर सकते हो और बाकी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस वगैरह आपको मिल जाते हैं जो कि प्रॉपर काम करते हैं। क्विक सेटिंग में ब्राइटनेस स्लाइडर के ऑप्शन मिल जाते हैं, QoS हेडर वगैरह जो कि मैं यहाँ पे पर्सनली यूज कर रहा हूँ और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। और बाकी यहाँ पे बैटरी, QoS वगैरह के विजेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके काम करते हैं। बाकी सिक्योर QoS टाइल्स रिक्वायर्ड अनलॉक, यानी लॉक स्क्रीन पे आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, काफ़ी सही ऑप्शन है। लेस बोरिंग वगैरह, किल ऐप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पावर मेनू में एक्स्ट्रा ऑप्शन आप रख सकते हो, मिसलेनियस में ये सारे ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग पे इनमें से कुछ ऑप्शन आपके ऑफ रहेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा उन एप्लीकेशंस पे, तो एक बार इन्हें ऑन कर लेना है, डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना, उसका सारी चीज़ आपकी वर्किंग हो जाएगी, चाहे आपका फोटो स्टोरेज हो या गेमिंग वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी वर्किंग रहती है। बाकी हाई डेवलपर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और साथ साथ इग्नोर वॉलपेपर डिमिंग का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है और बाकी यहाँ पे अदर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं जो कि डेली लाइफ में आपके काम आने वाले हैं। तो ये सारे कॉमन से ऑप्शन हैं जो कि प्रॉपर वर्किंग है और काफ़ी सही तरीके से रिस्पॉन्स भी देता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने चेक भी कर रखी है, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे बूटलोडर लॉक का जो स्पूफ है वो है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अटेंशन के अंदर यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक शो करता है। तो अगर आपको इस टाइप से कोई भी चीज़ें एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। लेकिन वहीं पे सेफ्टी नेट की बात करें तो ये आपको यहाँ पे पास देखने को मिल जाता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल नेट कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे आप बैंकिंग ऐप वगैरह यूज कर पाओगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन है ये आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं आता अभी फिलहाल जितने भी रूम आ रहे हैं उन सभी के अंदर। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो सबसे पहले बैटरी ड्रॉप आप देखो 56 के बाद मॉर्निंग में आता है 52, जहाँ पे 4% का बैटरी ड्रॉप है 8 hours 52 minutes यानी 9 आवर्स के अंदर, जो कि मैं कहूँगा ठीक है, थोड़ा और कम हो सकता था बट बुरा नहीं है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो CPU टोटल उतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन यहाँ पे जब नेक्स्ट डे मैं इसे चेक करता हूँ प्रोफाइल से बूस्ट करने के बाद तो यहाँ पे 408,000 मैक्स आ जाता है और यहाँ पे 345,000 जो कि मिनिमम जाता है 87 का परसेंटेज निकल के आता है, काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पे अनटूट स्कोर काफ़ी सही है, जहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप, 42 हीटिंग गया है जो कि ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कंट्रोल में है। अनदर यहाँ पे नॉर्मल जो कि हमारा फोटो स्टोरेज लिमिटेड शो करता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो स्टोरेज अनलॉक हो जाता है, तो ये चीज़ आप कर लेना उसके बाद चीज़ें अनलॉक हो जाएगी। सेम चीज़ आपको गेमिंग के साथ भी देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे गीकबेंच भी काफ़ी अच्छा खासा आपको दिखाई देता है जो कि सही है, और नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रीम प्लस आपका अनलॉक रहता है। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है वो आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, इनमें आपको कोई भी दिक्कत और शिकायत नहीं आने वाली, और ये मेरे तरफ से रिकमेंडेड रोम भी है क्योंकि सब कुछ यहाँ पे काफ़ी सही तरीके से वर्किंग मिल जाता है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, कस्टमाइजेशन हो या फीचर्स वगैरह हो या फिर आपका है जो गेमिंग वगैरह से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे बस डालना कैसे, तो साथ में इसका रिकवरी भी प्रोवाइड किया गया है और रोम आपको बस रिकवरी से फ्लैश एंड फॉर्मेट करना है, कोई भी FW रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसे इंक्लूड करा गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डिटेल निकाल के डाउनलोड करके इसे फ्लैश कर पाओगे। अगर फ्लैशिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैंने ऑलरेडी फ्लैशिंग गाइड वीडियो दे रखा है, उसे देख के आप फॉलो करके इंस्टॉल कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।